नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत बागेश्वर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बैजनाथ पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त अभियान में नशे के सौदागर को 5 किलो 350 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं बरामद चरस की कीमत 5 लाख से अधिक की आकी गई है। पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने बताया कि नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत नशे के सौदागरों पर नकेल कसी जा रही है। इस अभियान के तहत हल्दुचौड़ निवासी दया किशन को 5 किलो 305 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस व्यक्ति की एसटीएफ को भी तलाश थी, साथ ही उन्होंने सफलता हासिल करने वाली बैजनाथ पुलिस को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। नशा मुक्त देवभूमि का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान है, जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत एक बहुत अच्छी कामयाबी हमें मिली है। लालकुआ स्थित एक व्यक्ति जो चरस के या नशे के पदार्थों में बहुत दिनों से संलिप्त था, जिसके पीछे एसटीएफ टी थी, उसको हमारे बैजनाथ थाने के एरिया में एसटीएफ और बागेश्वर पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई से पकड़ा गया। लगभग 5 किलो 300 ग्राम, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू 5 से 6 लाख के बीच में है, इतनी चरस के साथ उसको पकड़ा गया। ये इस पर की गई प्रथम बार इस पर्टिकुलर अभियुक्त पर की गई कार्रवाई है। सर, कहाँ से कहाँ को जा रहे थे कैसे? जो हमें सूचना आई थी, ये बागेश्वर के उत्तरी क्षेत्र से, चमोली के कुछ क्षेत्र से, अलग अलग जगह से ये कलेक्ट करके फिर नीचे प्लेन के एरिया में बरेली की तरफ इसका बेचने का इरादा था, जितनी अभी तक की इन्फॉर्मेशन मिली है। इसके मोबाइल वगैरह भी रिकवर किया गया है, और मोबाइल से जो भी हमें आगे पीछे के चैन मिलेंगे उनको भी हम लोग जो भी रिलेवेंट सेक्शन होगा उसके अंतर्गत अरेस्ट करने का। इसमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए का प्राइस उत्तराखंड के एरिया में है, और अगर इंडिया की बात करें तो वो 3-3.5 लाख रुपीज़ केजी होता है, तो ये भारत में इसकी कीमत लगभग 18 से 20 लाख के रुपए के आसपास है। इसका सर फर्स्ट टाइम क्राइम है क्रिमिनल इसका रिकॉर्ड? ये एसटीएफ, चूँकि एसटीएफ इसके पीछे थी, इसका कारण ही था कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ में संलिप्त था, बट जो FIR रजिस्टर हुई ये प्रथम बार हुई है इस पर्टिकुलर। हाँ बिल्कुल, और ये उत्साहवर्धक राशि टीम को बिल्कुल प्रदान की जाएगी, 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार जो है टीम के मेंबर्स दिया जाएगा। क्या सर किसी बड़े गिरोह से लिंक भी कहीं सामने आए हैं? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो जो इसका इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये इंडिविजुअल प्लेयर था, जो बरेली से स्मैक के बिजनेस में और पहाड़ी क्षेत्रों से चरस के बिजनेस में इन्वॉल्व था।